अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद रमज़ान आपके करार पर अगले वीलॉग का आगाज़ करने जा रहा हूँ। पिछले वीलॉग में मैंने एक डिज़ाइन का करने का तरीका बताया था। ये आप देख लें पिछली वीडियो में, यहाँ तक मैंने ये डिज़ाइन मुकम्मल किया था। अब इससे आगे करूँगा। और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। और जिनको समझ ना आए पीछे वाली वीडियो ज़रूर देख लें। ये अगले वीलॉग का हम स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेयर को हम सेट करते हैं उसी नंबर। ये आ जाएंगे आपके फ्रंट के पॉइंट 3। ओके हो गया जी। अटैच कर देंगे और ये आ जाएंगे आपके नेगेटिव पॉजिटिव वोल्ट। ओके, ये हम इसकी आउट के पॉइंट निकालेंगे। अब ये इसके आउट के पॉइंट निकालेंगे। क्लियर हो गया, सामने आ गया। उसके साथ टच करें, ये आपके हो गए ग्राउंड। ये हम आ जाएंगे इनपुट पे। इनपुट को भी ऐसे ही हम डिजाइन करेंगे। अब इसका इनपुट का हेयर पॉइंट यहाँ पे लगेगा, ये कनेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। ओके हो गया जी। ये बेसिक, इतना मुश्किल नहीं है ये डायग्राम बनाना। ये देखो,
थोड़ी सी मेहनत करें आप, इंशाल्लाह ताला बनाना सीख जाएंगे। छोटा सर्किट भी बन सकता है इसका, बेसिक समझा रहा हूँ आपको। इधर मैं नीचे ही लिख देता हूँ इसका नेगेटिव पॉजिटिव वोल्ट, ठीक है। इसके होल सेट करने के लिए मुझे होल सेट करने पड़ेंगे इसके, ठीक है। इसके भी होल सेट करने पड़ेंगे। ये हो गए होल सेट। जो मैंने पुर्जे लगाए हैं वो लिखने पड़ेंगे। आईसी तो आपने देख लिया होगा जो मैंने लिखा है। पहले लिखेंगे इन दो कैपेसिटरों के नंबर। चलिए अपने स्तर पे हम से ओके करेंगे, ठीक हो गया। इधर से ये रेड वाला, क्योंकि ऊपर वाली साइड डिजाइन हो रही है ना, इसको ओके करें। सो यू एफ आप ऐसे करें, इसे सेट कर लें, ठीक है। ये इस पर आ जाएंगे ना, सेंटर निकालने में आपको आसानी हो जाएगी। ओके ओके। सो यू एफ के 16 वोल्ट के, 100 यू एफ 25 वोल्ट लगा रहे हैं आप। ओके हमने देने हैं वोल्टेज। किट का ऊपर वाला डिजाइन है ये, ठीक है ना।
उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ये वी लिखना मैं भूल गया था, वोल्ट, सॉरी। ओके हो गया जी, अब इसके बाकी के पगलों की तरफ आ जाएंगे। यहाँ लगेंगे 33 PF, तैतीस लगा लें, 47 लगा लें, 30 लगा लें, 33 लगा रहा हूँ। ओके, ओके हो गया जी। ये फीडबैक रेजिस्टेंस जो है ना, आप इसको 15 KV लगा सकते हैं, 22 KV लगा सकते हैं, 10 KV लगा सकते हैं, 47 KV लगा सकते हैं, 56K तक लगा सकते हैं, 100K लगा सकते हैं, वो माइक फ्री बनाने के लिए। यहाँ से ही तब्दील होगी आपकी ये दोनों, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस। यहाँ मैं 22K लिख दूंगा। ओके, ओके हो गया जी। ये मुकम्मल पावर एम्पलीफायर है, ये जो ग्राउंड के पॉइंट है ना, ये वाले, ये और ये। अब अगले इंशाल्लाह ताला वीलॉग में मैं आपको ये ख़त्म करके और इधर इधर से इनपुट देने का तरीका बताऊंगा कैसे देते हैं, ठीक है। माइक प्री बनाने का, माइक प्री सही तरीके से बनानी हो तो यहाँ से इनपुट देनी पड़ेगी। ये दो पॉइंट है, एक एक माइक प्री का, ये दूसरे माइक का। ओके, यहाँ मैं लगा दूंगा बस के। ताकि वो ना जो सीकर वगैरह आती है ना, बिल्कुल फिल्टर, और इसको फिल्टर किट भी कहा जाता है, फिल्टर और म्यूट आवाज़, फालतू की आवाज़ें इसमें नहीं आएंगी। ओके,
स्टेशन से लग गई तकरीबन, थोड़ी हो गई। इसको हमने वोल्ट रेगुलेटर देने हैं 12:12, वो ट्रांसफार्मर से निकाल के आप 12:12 वाले से नहीं दे सकते, ठीक है। वो अलग से मैं सप्लाई बनाने का तरीका आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। अब ये कैपेसिटर रह गए, ये कौन से लगाने हैं आपने, अच्छी साउंड के लिए। अगर आप आवाज़ बेस में चाहते हैं तो इसमें लगा सकते हैं आप, सैंतालीस आपकी आउट हो गई। आउट आउट ये हो गई आउट, आउट ठीक है। ये आपकी हो गई इन, इधर से आपको ये होगी ग्राउंड, यहाँ ये लिखना पड़ेगा। ओके जी, ये आपको देखो ना कैसे आसानी से डिजाइन हो गया, इससे छोटा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं ये ही हो। इसको मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ से आउटर लाइन लगा देता हूँ इस पर,
ये ऊपर लाइन आ गई आपकी। ओके हो गई आउटर लाइन भी। इससे पर आप नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मेरा नाम है रमजान। मेरा नाम है मोहम्मद रमज़ान, लेकिन मैं रमज़ान ही लिखूँगा क्योंकि मोहम्मद जो है ना वो किट पर नहीं आना चाहिए, ठीक है, ज़मीन पे गिरती है ये होता है, कागज़ वगैरह ख़राब होते हैं। क्यों गया रमज़ान, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ये आ गया रमजान इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मैं इधर पेस्ट कर। अगर आप चाहते हैं भी नीचे भी आपका नाम आए तो आपको उल्टा लिखना पड़ेगा, ये देखना ये मैं कर रहा हूँ। ओके, और इसको मैं करूँगा इधर से ओरिजेंटल, ठीक है, ये आ गया नीचे नाम मेरा उल्टा आ गया, और इधर भी मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। इसी का ऊपर वाला हिस्सा बना लेंगे इधर से, डन, ये वाला ख़त्म करेंगे, ये सीधा बनेगा आपका, ठीक हो गया जी। ओके, ये हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी है, ठीक है। देखो कैसा साफ सुथरा डिज़ाइन बनाया। ये इसको थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं। ओके जी, अब इसको सेव करने का तरीका मैं बता दूं। ये सेव हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट। ये आपको लेआउट इसका निकालना है तो ऐसे निकालना है, A4, ठीक है, A4। और ये ख़त्म कर लें आप, ठीक है, नीचे वाली साइड बन गई इसकी। ओके, कितने पीस निकालने हैं ये मैं कर देता हूँ जस्ट। तो
से इसको सेव कर लें, ये पीडीएफ आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एक चीज़ रह गई है, माधुरत के साथ मैंने देनी थी ग्राउंड, ओके हो गया जी। इसको भी करना था कि कुछ स्ट्रॉन्ग करना था बोर्ड को, बड़े कैपेसिटर लगेंगे ना थोड़े से। ये इतना सा काम रह गया था, इसको करते हैं सेफ। ओके, अब हो गई ये मुकम्मल, आपके इधर से सेफ हो गई। अब ऊपर वाला हिस्सा इसका करते हैं सेफ, ओके जी। ये देखो सेफ हो गया और आसानी से बन गई ये सर्किट प्रेशर फिट वाला। आप माइक प्री वाला भी बना सकते हैं, इसमें वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्या आपको सीखना है वो बताना मुझे, मैं आपको सिखा दूंगा इंशाल्लाह ताला। योगा सेफ, ये को इन्फ्रारेड करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं एस पी सी। ये देखो ना, इसको भी सेव कर लेते हैं, ओके ओके जी। अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें प्लीज़, मेहरबानी।